बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के मैथ्स में हम 17.5 कर रहे हैं। 17.5 का क्वेश्चन 1-2 की मैं आपकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1-2, सेट बी इज इक्वल टू 2-3 एंड सेट सी इज इक्वल टू 1-3-5 देन फाइंड। आपको ये जो इन्होंने सारे दिए 5 क्वेश्चन दिए, 5 के 5 आपको फाइंड करने। आपने ये पहला है इसका ए क्रॉस बी, ठीक है, इसको ए मल्टीप्लाई बी नहीं पढ़ते। मैंने सेट लिख लिए, सेट ए है हमारा, बी है, सी है, ठीक, जो मैंने आपको अभी बताए थे। अब पहला इन्होंने क्वेश्चन दिया ए क्रॉस बी, इसको हम पढ़ते हैं, यह है असल में कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि ए को जब हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस ये पूरे सेट को, तो ये कहलाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको हम पढ़ते मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते, इसको हम कहते हैं क्रॉस, ए क्रॉस बी। तो ए को बी से क्रॉस करना है, तो ए सेट उतार लिया 1-2 और बी सेट उतार लिया 2-3। अब इसको क्रॉस कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, ए को बी से करना है तो हम पहले ए वाला लेंगे, ठीक है, ये ए है, ये बी है। ए का पहला क्या है, मेंबर 1 है, इसका साथ हम इसका मेंबर लिख लेंगे 2, 1 और 2। फिर हमने ए का पहले ही मेंबर को, यहाँ 1 ही लेंगे हम, इसके पहले ही मेंबर को हमने 3 के साथ करा, ठीक है। यानी कि ए से करना है तो हमने ए का ही मेंबर को 2 बार लिखा है, और ए को इसके पहले इसके साथ करा, इसके पहले मेंबर को पहले इसके साथ करा और फिर इसके इसके साथ करा, ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम इसके ये एक मेंबर के साथ दोनों हो गए, अब आगे कुछ नहीं, इसलिए हम ये दूसरा मेंबर लेंगे। दूसरा मेंबर 2 लिया, 2 को फिर हम इसके 2 के साथ लिखेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, फिर दोबारा इसको 2 को लेंगे और इसके साथ 3 लिखेंगे। ये कहलाता है, इससे ज्यादा इसके मजीद हो नहीं सकते। ये इसके सारा जो है हमने ए क्रॉस बी निकाल ली है, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ते हैं। और इसके इसके जरिए ये जो होती है ना, इसके जरिए हम रिलेशंस निकालते हैं, वो मैं आपको आगे के क्वेश्चन में सिखाऊंगी। इसमें हमें सिर्फ इन्होंने ए क्रॉस बी निकालना सिखाया। अब ए क्रॉस बी में मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, मैंने ए का पहला मेंबर यानी 1 लिया और उसके साथ बी के पहले मेंबर को लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने ए का ही पहला मेंबर दोबारा लिया और फिर मैंने बी के दूसरे मेंबर को साथ लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्योंकि मेंबर खत्म हो गए, अब मैं ए का दूसरा मेंबर लिया मैंने, फिर मैंने उसके साथ ए बी का पहला मेंबर लिख लिया, फिर मैंने ए के पहले मेंबर को दोबारा लिया और बी के दूसरे मेंबर को लिख लिया, ठीक है। हो सकते है पहले स्टेप पे आपको इतना समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अभी मैं आगे और करूंगी, आपको आ जाएगा। आपने दूसरे पार्ट में करना है बी क्रॉस सी, तो आप पहले बी का सेट उतार लें, 2 और 3 है, फिर आप सी जो है बी को सी से करना है ना, बी क्रॉस सी, तो आप पहले बी का सेट उतार लें और फिर सी का सेट उतार लें, 1, 3 और 5, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, बी क्रॉस सी करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं, पहले हमने बी का पहला मेंबर 2 लिया और 2 को इन सब के साथ लिखेंगे एक एक करके। पहले हम 2 को 1 के साथ लिखेंगे, फिर हम दोबारा 2 लेंगे और फिर इसके दूसरा क्या है, 3 है, 3 के साथ लिखेंगे, फिर दोबारा 2 लेंगे और इसका थर्ड मेंबर है, थर्ड मेंबर के साथ लिखेंगे, ठीक है। इसका पहले मेंबर को इन सब के साथ लिख लेते हैं पहले, फिर हम इसके दूसरे मेंबर की तरफ आते हैं। फिर हमने दूसरा मेंबर 3 लिया, इसको भी हम इन सब के साथ लिखेंगे, पहले 3 को 1 के साथ लिखेंगे, फिर हम 3 को 3 के साथ लिखेंगे और फिर हम इस 3 को इस 5 के साथ लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे सारे मेंबर खत्म हो गए, तो हमारे ये सारे इसके बाइनरी रिलेशंस बन गए, ठीक है। ये यहाँ से आता है इसके बाइनरी रिलेशंस बन गए। इसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं, हमें थर्ड पार्ट क्या दिया है इन्होंने करने के लिए, हमें इन्होंने दिया है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेंगे, ठीक है, बी यूनियन सी निकालते हैं, बी और सी को यूनियन कर दें, बी है 2-3, सी है 1-3-5, तो क्या बन जाएगा, 1, 2, 3 एंड 5, इन दोनों को मिलाकर लिख दिया, जो रिपीट होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। अब इसको हमने ए के साथ क्रॉस करना है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए सेट क्या है हमारा 1 एंड 2, हमने इसको क्रॉस किसके साथ करना है, इस सेट के साथ, ठीक है, पूरा ये जो हमारा निकला है, लिख लेते हैं 1, 2, 3 एंड 5, सही है। अब हम इसके प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कह लें या रिलेशंस कह लें। तो अब सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट देंगे और हम इसका पहला मेंबर लेंगे, पहला मेंबर को इन सब के साथ बारी बारी लिखेंगे। तो 1 ले लिया, 1 को पहले 1 के साथ ये वाला 1 लिखा, फिर हमने दोबारा 1 ले लिया, इसके साथ ये 2 लिखा, फिर हमने दोबारा 1 ले लिया, इसके साथ ये 3 लिखा, फिर हमने ये 1 ले लिया, इसके साथ ये 5 लिखा। अब 1 के साथ सब हो गए, अब ये वाला 2 ले लेते हैं, 2 लिया, इसके साथ ये 1 लिखा, फिर दोबारा हमने ये 2 लिया और इसके साथ ये 2 लिखा, इसके बाद हमने फिर दोबारा ये 2 लिया और इसके साथ ये 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये 2 फिर से लिया,
इसके साथ हमने यहाँ पे ये 5 लिख दिया। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ए बी क्रॉस ए यूनियन सी। ठीक है, इसमें हम पहले ए यूनियन सी निकाल लेंगे। ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए यूनियन सी यानी ए और सी का यूनियन कर दें। ए और सी का 1, 2 और 1, 3, 5 है तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 5। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 5 ये हमारा ए यूनियन सी निकल आया। अब हम इसके साथ बी को क्रॉस करते हैं। हम यहाँ पहले बी का सेट लिखेंगे क्योंकि हमें पहले बी लिखने को कहा है इन्होंने, कहा ना बी को क्रॉस करना है तो हम पहले बी का सेट लिखेंगे। बी का सेट क्या है हमारे पास 2, 3। देखें ये तरतीब बहुत वैल्यू है, जैसे हमें क्वेश्चन में कहेंगे उस सेट को हम पहले लिखेंगे फिर उसके हिसाब से उसको सबके साथ लिखेंगे। बी लिखा हमने सेट 2, 3 था, इसको हमने क्रॉस करना है ए यूनियन सी के साथ जो ये हमारा निकला है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1, 2, 3 एंड 5। अब हम यहाँ पे इसके क्रॉस करते निकालते हैं इसका हम कि क्या निकलता है। पहले हम कर्ली ब्रैकेट देंगे, उसके बाद हम ये अब इस 2 को लेंगे। देखें जो हमने पहले लिखा होता है ना हम उसका पहले लिखते हैं। 2 लेंगे इसके साथ 1 के साथ लिखेंगे। फिर हमने ये 2 लिया इसके 2 के साथ लिख दिया। फिर हमने ये 2 लिया और इसके 3 के साथ लिख दिया। फिर 2 लिया और इसके 5 के साथ लिख दिया। ये तो अभी तक हमारा 2 के साथ सबके रिलेशन हमने लिख दिया। अब हम नीचे ऐसा करते हैं, यहाँ स्पेस कम है तो मैं ये 3 के वाले नीचे लिख लेती हूँ। 3 के साथ 1, फिर 3 के साथ 2, फिर इस 3 के साथ ये वाला 3, फिर 3 के साथ ये वाला 5। अब ये इसके सारे रिलेशन बन गए। पार्ट 5 करने, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो आप पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे हम, ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी भी निकाल लेंगे। ये दोनों हम ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं पहले। बी ए और बी में सेम क्या है ये आपको इसमें सामने दिखाई दे रहा है ना, ए और बी में सेम क्या है आप देखें 1, 2 है और उसके पास 2, 3 है। तो ए और बी में सेम क्या है हमारे पास सिर्फ 2 है। ये छोटा सा आसान सा सवाल है। और फिर बी और सी में इंटरसेक्शन देखना है। बी और सी में देखें तो इसके पास 2, 3 है, 1, 3, 5 है तो हमारे पास क्या सेम होगा 3। इसके पास से हमारे पास 3 कॉमन निकल आया। ठीक है, अब हमने इन दोनों को क्रॉस करना है। ठीक, हमने क्रॉस करना है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा 2 है, 2 को हमने क्रॉस करना है 3 के साथ, हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल आएगी। तो बहुत आसान सा सवाल है ये तो, 2 को 3 के साथ आपने क्रॉस कर दिया, इसके ज्यादा और है ही नहीं तो बस इसका एक ही रिलेशन निकलेगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीट हो गया। 17.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 5, 6 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 3 देन फाइंड। इसके हमें 4 पार्ट दिए, 4 क्वेश्चंस करने होंगे। पहला क्वेश्चन है हमें 3 रिलेशंस निकालने ए क्रॉस बी के, या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट के 3 रिलेशंस निकालने। तो पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे उसके बाद रिलेशन निकालेंगे। इसी तरह हमें दूसरा क्वेश्चन दिया 4 रिलेशन इन बी इन क्रॉस ए, बी और ए का पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके बाद हम उसके 4 रिलेशंस निकालेंगे। 3 इन्होंने दिया है हमें 5 रिलेशन इन बी, बी के ही 5 रिलेशन निकालने जो सेट बी है। और 4 हमें दिया ऑल रिलेशंस इन ए, ए के जितने भी ज्यादा ज्यादा बन सकते हैं वो सब निकालने। तो ये 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, 3 रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी यानी ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं हम, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीख कर आए हैं, अभी हम वही चीज हमें यहाँ करनी है। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं सबसे पहले हम, ए ये रहा बी, बी ये रहा। तो ए का पहले हमने 5 लिया, 1 के साथ लिख दिया। फिर हमने 5 लिया, 2 के साथ लिख दिया। फिर हमने 5 दोबारा लिया और 3 के साथ लिख दिया। ठीक है, अब ये तीनों हो गए तो अब हम इसका दूसरा पार्ट ले लेंगे। हमने 5 को लिया और फिर 1 के साथ, सॉरी 6 लिया, ये 6 लिया, 6 को 1 के साथ लिख दिया। फिर हमने ये 6 लिया और इस 6 को 2 के साथ लिख लिया। फिर हमने 6 को 3 के साथ लिख दिया। आर्टिजन प्रोडक्ट हमने बना लिए। अब इसके रिलेशन बनाने हमने 4। तो पहले मैं R1 यानी रिलेशन 1 बनाती हूँ। तो ये जो हमने सब बनाए ना, इनमें से हम कोई भी 1, 2 या 3 ब्रैकेट वाले जो है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हमें बने ना, कोई भी हम इसमें से कितने भी लेके अलग अलग लिखते हैं तो मुख्तलिफ रिलेशन बन जाएंगे। जैसे मैं पहला रिलेशन बनाती हूँ तो बस मैं इसमें से एक ये 5 और 2 ले लेती हूँ, एक भी हो सकता है, ये पहला रिलेशन बन गया। दूसरा रिलेशन बनाती हूँ मैं तो मैं इसमें से कोई 3 चीजें ले लेती हूँ। मैंने एक ये 6, 1 ले लिया ये वाला, फिर मैंने एक 6, 3 ले लिया और एक मैं ले लेती हूँ 5, 1। ठीक है, मैंने इसमें 3 लिए
तो ये मेरा दूसरा रिलेशन बन गया। एक और तीसरा रिलेशन बनाती हूँ तो मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखती, ये खाली साइड, ये भी रिलेशन होता है। उसके बाद मैं एक फोर्थ रिलेशन बनाती हूँ इसमें, तो मैं इसमें अभी मैंने तीन लिए थे, मैं चार वाले भी ले सकती हूँ क्योंकि इससे कम लेने, बस ये सबसेट होना चाहिए इनके, ठीक है, इसके सबसेट समझ लें। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पर लेती हूँ फाइव थ्री ले लिया मैंने, अच्छा यहाँ ब्रैकेट भी लेना होगा ना, फाइव थ्री ले लिया और सिक्स टू ले लिया और एक और मैं ले लेती हूँ सिक्स वन ले लेती हूँ, ठीक है मैंने ये बना लिया। एक और भी बना सकते हैं इसके अंदर, मैं एक और ऐड कर लूँ कोई सा, लेकिन ये सब डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से। अब इसमें आप चार भी ले सकते थे, चलिए मैं इसको काट देती हूँ, यहाँ चौथा भी ले लेती हूँ, फोर्थ मैंने ले लिया यहाँ पे सिक्स थ्री, ठीक है, यानी मैंने सिक्स वाले तीन ले लिए, एक फाइव वाला लिया, तो ये मेरे फोर रिलेशन बन गए। इन्होंने फोर रिलेशन बनाने के लिए कहा था, तो ये मैंने रिलेशन बनाना तो आपको सिखा दिया। इसी रिलेशन से ये जो हमारे निकले होते हैं ना, इसी से डोम आर और रेंज आर निकलता है जो हमारी ब्लैंक में आता है। तो मैं इसी क्वेश्चन के साथ आपको वो सिखा देती हूँ, वो इस क्वेश्चन में करना नहीं है, आपने सिर्फ रिलेशन निकालने। देखिए अब अगर मैंने इसका, मैं इसमें से कोई भी एक रेंज, ये रेंज ये कहलाता है रिलेशन ना, एक रिलेशन ले लेती हूँ, जैसे मैं अगर ये वाला रिलेशन लेती हूँ, मैं आर टू का रिलेशन ले रही हूँ, सिक्स वन जो मैंने बनाया था अपने आप अपनी मर्जी से, सिक्स थ्री एंड फाइव वन, ये मैंने बनाया था ना रिलेशन, मैंने इसका डोम आर निकालना है। डोम आर कैसे निकालूंगी मैं, डोम आर के लिए ये जो इसके पहले वाले होंगे ना, फर्स्ट वाले, वो लिख लेंगे, ये सिक्स है इसके साथ भी सिक्स है और फाइव है, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, बस एक ही बार लिख लेंगे सिक्स और फाइव, ठीक है सिक्स और फाइव, ये आगे डोम आर। उसके बाद मुझे लिखनी है रेंज आर, ये मैं आपको एक ब्लैंक सिखा रही हूँ उसके अंदर, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं इसलिए इसको सेपरेट कर देती हूँ, ठीक है, ये इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि इसी से करना आता है ना इसको, इसलिए मैंने कहा मैं आपको साथ साथ सिखा दूँ। अब आप ये देखें रेंज, मैंने आपको डोम आर बता दिया कि ये जो हमने जो भी ये आर लिया होता है, रिलेशन लिया होता है, इसका पहला वाला लिख लेते हैं और जो रिपीट हो रहा होता है उसको दो बार नहीं, एक ही बार लिखते हैं। सिक्स देखें दो बार था, मैंने एक बार लिखा और फाइव लिख लिया। अब मैंने लिखना है रेंज आर, जो इसके सेकंड वाले हैं ना वो लिखने, वन थ्री और वन, तो बस मैं क्या लिखूंगी, वन और थ्री लिखूंगी, एक बार ही लिखूंगी, वन को रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये डॉम आर आ गया और ये रेंज आर आ गया, वो उसमें जो एग्जाम में होता है ना, कोई भी आपको ये दे देते हैं आर, ये रेंज भी कहते हैं इसको, रिलेशन भी कहते हैं, ये रेंज दे देते हैं उसका कहते हैं डोम आर और रेंज आर बताएं। तो आप पहले वाला लिख देंगे तो वो डोम आर होगा और बाद वाला लिख देंगे रेंज आर होगा। ये मैंने आपको इसमें करके दिखा दिया, सब क्वेश्चन में नहीं करके दिखाऊंगी, इसमें मैंने करके बता दिया एक ब्लैंक आपको साथ साथ। इसका पार्ट टू हम देखते हैं, टू में हमें इन्होंने कहा है करने को बी इंटू ए, फोर रिलेशन ऑफ बी इंटू ए, बी इंटू नहीं सॉरी बी क्रॉस ए के आपको फोर रिलेशन निकालने। तो सबसे पहले हम बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं, बी क्रॉस ए निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बी को ए के साथ क्रॉस करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सेट बी लिखूंगी, सेट बी मेरे पास है वन टू और थ्री, इसको मैंने क्रॉस करना है किसके साथ, फाइव और सिक्स के साथ। मैं सेट इसलिए लिखूंगी इस तरह कि इसी तरतीब से हमें फिर रिलेशन निकलेंगे ना हमारे, बी इन क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, अब ये पहले वन लिखेंगे और फिर फाइव लिख लेंगे, ठीक है, फिर हम फिर दोबारा वन लिखेंगे और इसका सिक्स लिख लेंगे, ठीक है। अब ये इसके पूरे हो गए तो अब हम इसका सेकंड वाला लेते हैं, टू ले लेते हैं, फिर फाइव लिख लेते हैं ये वाला, फिर ये वाला टू लेते हैं और हम ये वाला सिक्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका ये थ्री लेते हैं और फाइव लिख लेते हैं और फिर थ्री लेते हैं और सिक्स लिख लेते हैं। अब ये हमने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, अब हम इससे रिलेशंस निकालेंगे, ठीक है, कोई भी हम इनमें से जो हमने ये पार्ट्स बनाए कोई भी ले सकते हैं। अब मैं अपनी तरफ से ले सकती हूँ ना कुछ भी, जरूरी नहीं है बुक से मैच हो मेरा, ठीक है। मैंने ये वन सिक्स ले रही हूँ और इसके साथ मैं ले लेती हूँ ये टू फाइव, ये मैंने एक रिलेशन बना लिया। दूसरा खाली सेट भी बना सकते हैं या एक सिंगल सेट भी बना सकते हैं, तो मैं एक सिंगल सेट भी बना सकती हूँ और तीन वाला भी बना सकती हूँ। तो मैंने एक लिया वन सिक्स और दूसरा ले लेती हूँ टू थ्री फाइव ले लेती हूँ या थ्री सिक्स ले लेती हूँ, कुछ भी ले सकते हैं कोई वो नहीं है, मैं ऐसे ही चूज कर रही हूँ बस। और तीसरा मैं बना लेती हूँ एक सिंगल वाला कोई बना लेती हूँ, सिंगल ले लिया मैंने इसमें टू सिक्स, ठीक है ये टू सिक्स बन गया। रेंज फोर बनानी है, रेंज फोर में क्या बनाते हैं, ऐसा करते हैं एक हम ले लेते हैं वन फाइव और फिर एक ले लेते हैं हम थ्री फाइव और एक ले लेते हैं हम थ्री सिक्स, ठीक है कुछ भी ले सकते हैं, ये तो हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है, हम किसी तरह भी बनाए। हमने चार रेंजेस बना ली, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका बी इंटू बी, बी के बनाने ना रिलेशन, उन्होंने कहा फाइव रिलेशन इन बी, तो बी
इसको बी से ही करके देखेंगे, ठीक है। बी के बनाने तो बी इंटू बी करेंगे, सेट बी हमारे पास है 1, 2, 3, इसके अच्छे खासे बन जाएंगे क्योंकि हमारे पास ये बड़ा सेट है, ठीक है। अब इसको बी को बी से करके बनाएंगे, हमारे काफी सारे इसके बनेंगे प्रोडक्ट्स। अब ये देखते हैं, हम इसको बना लेते हैं, बी इंटू बी इज इक्वल्स टू, पहला हम लेते हैं वन को, या इसके पहले लेंगे ना बी वाले, किसके वन वन, फिर हम लेते हैं 1, 2, फिर ये वन दोबारा लेते हैं 1, 3, फिर लेते हैं ये पूरा हो गया हमारा, फिर हम ये वाला ले लेते हैं 2। अब ये 2 को 1 के साथ लेंगे, फिर हम 2 को 2 के साथ लेंगे, फिर उसके बाद हम 2 को 3 के साथ लेंगे, सही। 2 का भी पूरा हो गया, इसके बाद हम ये 3 ले लेते हैं, 3 के साथ भी 1 लेंगे, फिर हम 3 के साथ ये वाला 2 लेते हैं, फिर हम 3 के साथ ये वाला 3 लेते हैं। देखिए इसमें फ़र्क है सबसेट्स में, सबसेट्स में रिपीट नहीं होता ना, लेकिन इसमें रिपीट होता है। ये कार्टेजन प्रोडक्ट है, ये सबसेट नहीं है बना रहे हम, जो हमने पावर सेट बनाने सीखे थे वो नहीं बना रहे हम। पावर सेट में तो रिपीट नहीं होता था ना, 1, 2 और 2, 1 रिपीट नहीं होता था, लेकिन ये कार्टेजन प्रोडक्ट है, इसमें रिपीट हो जाता है। सिर्फ तरतीब, इसमें तरतीब से फर्क पड़ता है, तरतीब चेंज है तो ये चेंज है। ये हमने इसकी पहले कार्टेजन प्रोडक्ट निकाल ली, अब हम इसके रिलेशन निकालते हैं। हमें इसमें इन्होंने कितने रिलेशन बनाने को बोले, 5 रिलेशन। पहला रिलेशन बनाती हूँ मैं, तो पहला रिलेशन मैं बना रही हूँ 1, 2, ये वाला ले लिया मैंने, और 2, 1, ठीक है। ये मैंने एक रिलेशन बना लिया, कुछ भी बना सकती हूँ मैं, एक खाली सेट बना रही हूँ, ठीक है। और मैं R3 बनाती हूँ, R3 क्या बनाऊँ मैं, ऐसा करते हैं 3, 1 ले लिया और 3, 3 ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद R4 बनानी है, R4 में मैं कोई 3 ले लेती हूँ, 3 में एक हम ले लेते हैं 1, 1 ले लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद 2, 2 ले लेते हैं और एक 3, 3 ले लेते हैं। ये अपनी मर्जी पर है, आपको मैं बार बार बताती जा रही हूँ। 5 बनाने हैं, 5 एक और रह गया, बस एक कोई और सा ले लेते हैं, एक हम देते हैं। अब मैं 4 के बनाऊंगी, 1, 3 ले लिया मैंने, फिर ले लेते हैं 2, 3, फिर मैं ले लेती हूँ 2, 1, फिर ले लेते हैं 3, 2, सही है। अब ये मैंने 5 इसकी आपको रिलेशन बना के दिखा दिए। इसका भी डोम आर और रेंज आर बना सकते हैं, कोई सा भी इसमें ले। अगर मैं इसका बनाती हूँ सपोज करें, तो मेरा डोम आर बनेगा 1, 2 और 3, सही है। और रेंज आर क्या बनेगा, 1, 2 और 3, दोनों का सेम ही बनेगा, ठीक है। तो ये ब्लैंक के लिए था जो मैंने बताया, और ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 है, ऑल रिलेशंस इन सेट ए, सेट ए के ही सारे रिलेशन बनाने। तो सेट ए हमारे पास क्या था, 5, 6, तो 5 यानी कि सेट ए का क्रॉस करना है हमने सेट ए के साथ ही, 5, 6 को 5, 6 के साथ ही हम क्रॉस करेंगे। लिख लेते हैं हम इसके, तो हम इसके सारे जो है कार्टेजन प्रोडक्ट बनाते हैं। पहले मैं सेट ए का लूंगी पार्ट 5 लूंगी, और फिर ये वाला सेट दूसरे वाले सेट का लेंगे 5, फिर कॉमा डाला, फिर दोबारा 5 लिया और ये वाला 6 ले लिया, फिर कॉमा डाला, अब ये वाला 6 लिया और इसके साथ इस 5 को लिख लिया, फिर कॉमा डाला, अब ये 6 ले लिया और इसके साथ इस 6 को ले लिया। ये इसके सारे जो है कार्टेजन प्रोडक्ट बन गए। इसके बाद अब इसके रिलेशन बनाने जितने भी पॉसिबल हैं। R1 रिलेशन बनाते हैं तो एक खाली सेट बना देते हैं, ठीक है। R2 रिलेशन बनाते हैं अगर हम इसका, तो हम इनमें से कोई भी जो हमने ये सेट बनाए हैं, इन सेट्स के को ही हम नीचे लिखेंगे ना, या तो हम एक सेट ले लें, या फिर ये 2 सेट ले लें, या फिर ये 3 ले लें इनमें से। इनको चेंज नहीं करते, ये मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैंने पीछे भी जितने बनाए हैं, ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाई होती है कार्टेजन प्रोडक्ट, इसी में से पूरा पूरा ब्रैकेट के साथ नीचे उतारते हैं, ठीक है। चाहे आप एक ब्रैकेट वाला लें, या 2 ब्रैकेट ले लें, या 3 ब्रैकेट ले लें। अब मैं इसमें सेकंड जो बना रही हूँ रिलेशन, उसके अंदर सिर्फ एक ब्रैकेट ले रही हूँ, जो 5, 6 वाला ले रही हूँ। कोई भी ले सकते हैं हम, लेकिन लेनी इसी में से ही है, सारे रिलेशन इसी में से निकालने हैं, चेंज नहीं करना। जैसे इसमें बने हुए वो पूरे पूरे उतारने। R3 में इसमें से मैं कोई 3 ब्रैकेट ले लेती हूँ, मैं एक ले रही हूँ 5, 5, दूसरा ले लेती हूँ 6, 5 ये वाला, तीसरा मैं ले लेती हूँ 6, 6, ठीक है। ये मैंने 3 रिलेशन ले लिए इसमें, मतलब 3 सेट ले लिए रिलेशन 3 में। रिलेशन 4 में मैं ले लेती हूँ
इनको रिलेशंस को हम बाइनरी रिलेशंस भी कहते हैं, और ये कार्टेजन प्रोडक्ट कहलाती है। कार्टेजन प्रोडक्ट को में से पूरे पूरे सेट के जो हम इसके सबसेट बनाते हैं ना, वो कहलाते हैं इसके बाइनरी रिलेशन। ये अब मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे एक 6-6 ले रही हूँ, ये वाला सेट ले लिया पूरा, और एक 5-5 ले लिया। ठीक है, मैंने अब ये बना लिए, इसके और भी बना सकते हैं, R5 बनाकर देखते हैं। तो एक हम 3 वाला बनाया था, 4 वाला भी नहीं बना सकते, 4 वाला होगा तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, जो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। हमें सिर्फ सबसेट बनाना, 6-6 और 5-5 ले लिया था ना, तो इसके अलावा हम कोई और सा ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 6-5 और 6-6 ले लेते हैं, या 5-5 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिए, और भी बन सकते हैं लेकिन इतने ही काफी है हमारे। इससे आपको समझ में आ गया होगा, रिलेशंस बनाना आर्टिजन प्रोडक्ट के ही पार्ट होते हैं बाइनरी रिलेशन। इसको चेंज नहीं करना होता, होल पूरा पूरा जो हमने छोटा ब्रैकेट बनाया होता है, ये पूरा पूरा हम लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब चाहे हम एक लें, चाहे दो लें, चाहे तीन लें, ये हमारी मर्जी पर होता है। एक्सरसाइज जैसे कंप्लीट हो गई, अब सिर्फ मैं आपको इनके एमसीक्यूज वगैरह कराऊंगी, उसके लिए थोड़ा सा आपको फंक्शन समझाने होंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में फंक्शंस आते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको जल्दी करा दूंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।